थाना करेरा परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। करेरा ब्यूरो नगर शनिवार शाम करेरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुहर्रम एवं गुरु पूर्णिमा का त्यौहार शांति एवं सद्भावना से मनाया गया। ताजे देर रात तक ना निकले, ताजिया का रूट तय हो आदि विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। बैठक में SDOP शिवनारायण मुखाती, तहसीलदार कल्पना शर्मा, नगर परिषद CMO पूरन सिंह कुशवा, थाना प्रभारी विनोद छावई, नायब तहसीलदार OP तिवारी, विद्युत विभाग AE अरविंद श्रीवास्तव, JE हरिओम शंकर यादव, RI प्रीति रावत, शहर काजी मंजरी आलम, वहीं देवंती मिश्रा, पार्षदगण, पत्रकारगण सहित नगर के गणमान्य नागरिक DJ वाले मौजूद रहे। बैठक का संचालन थाना प्रभारी विनोद छावे के द्वारा किया गया। देखिए शांति समिति की बैठक में अधिकारियों, गणमान्य नागरिक, पार्षद, पत्रकार ने क्या कुछ कहा। रिपोर्टर संजय गुप्ता वाला करिया। क्रम में तो मैं आज जब से मैं ये मिक्सर फिक्सर वाला नहीं, सिर्फ ढोल धमाके मिक्सर मशीन चलेगी भाई, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, मैं कार्रवाई करूंगा, बता दे रहा हूँ। स्पष्ट बोला DJ मैंने नहीं, सिर्फ माइक सिस्टम रहता है और जो ढमन खाली, आप मिक्सर वाला अगर जो हार्ट को करती है वो नहीं चलेगा, मैं आज बता रहा हूँ, मैं TI साहब से कार्रवाई करवाऊंगा, ठीक है। DJ सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बैन किया है, आपको पता है पिछली बार एक कैजुअलिटी हुई है उसमें, मैं अपने सामने ये DJ वगैरह में और ये फटाखों में कम से 60-70 लोगों को मरते देखा हूँ। भाई ये जो चीज़ घातक है मत करिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर बैन लगाया, और सबको मालूम है साउंड सिस्टम का रात के 10 बजे का ध्यान रखें, ठीक है भाई। अब त्यौहार की तरह बढ़िया त्यौहार मने, किसी को दिक्कत नहीं हो, तब तो त्यौहार है, आपने मना नहीं कर, ठीक है काजी साहब। अभी जो भी ताजिया के जो आयोजक हैं वो रुक जाएंगे, और ये अपने मुहर्रम पहला महीना है, जैसे जनवरी होती है, जैसे जेठ अषाढ़ होता है, ऐसे मुहर्रम सफर महीने होते हैं, तो ये इस साल का पहला महीना मुहर्रम है। तो मुहर्रम में जो करबला में 14 करबला इमाम हुसैन शहीद हुए थे, उसकी यादगार में ये 14 महीने जमहूरियत के लिए और भाई बंदी के लिए उन्होंने अपना शहीद हो गए थे, इसलिए ये 14 करबला की वजह से, शहीदों की वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में ताजिए भी बनाए जाते हैं, बुर्राकें भी बनाई जाती हैं। तो 10 मुहर्रम यानी 17 तारीख अपनी तारीख रहेगी, 17 मुहर्रम रहेगा, 10 वो शहीद होने का दिन है और वही सबसे बड़ा जुलूस मुहर्रम का होता है, और उसी दिन ताजिए ठंडे भी किए जाते हैं। इसी तरीके से अब ये यहाँ पे हिंदुस्तान में 9 हम एक टाइम फिक्स रखेंगे, आप लोग फिक्स करें टाइम को, जिससे लाइट वालों को भी दिक्कत नहीं आए और CMO साहब भी अपने वहाँ व्यवस्था लगाएंगे, तैराक भी लगाएंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं आए। तो एक टाइमिंग फिक्स रहेगी और टाइमिंग हम अभी सब उसको प्रोसीडिंग में लेंगे हम, और उसको प्रेस नोट में भी निकालेंगे हम, आप लोगों को देंगे, आप लोग निकालेंगे इतने टाइम से जितना ताजिया उठेंगे, और ये विसर्जन का टाइम है, हम खुशी से और सौहार्द से मना पाएंगे। तो वो अभी हम लोग इसके बाद मीटिंग के बाद तय कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों की जो हमारे प्रशासन से अपेक्षाएं हैं, एक तो सुरक्षा व्यवस्था, तो वो हम लोग उसका भी ड्यूटी चार्ट बना लेंगे। CMO साहब साफ सफाई का, CMO साहब आप जगह जो निश्चित बताएंगे उसमें CMO साहब करा देंगे। लाइट का, वो लाइट का जो टाइम टेबल डिसाइड होगा वो दोनों आम जनता को देखते हुए और आपके रूट को देखते हुए, दोनों तरीके से जो हमारा मध्य मार्ग निकलेगा उससे हम कोशिश पूरी करेंगे कि किसी को समस्या ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सजेशन है, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते। जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें लेके विद्युत व्यवस्था को लेके, पिछले साल भी क्या हुआ था कि जुलूस निकलता है, पूरी रात और पूरा दिन लाइट कटी रहती है, या तो इस साल या तो उनका एक समय निर्धारित हो जाए, विद्युत विभाग बता दे कि हमें 6 घंटे में या 8 घंटे में हम इतनी देर कटौती करेंगे, और प्रशासन उसमें ये करे कि वो निश्चित समय अवधि में उस जुलूस को कम्प्लीट करवाए, ये मेरा सुझाव। बहुत नीचे